तो आज हम लोग सीखने वाले हैं समाकलन का बहुत ही स्पेशल ट्रिक। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर नहीं तो 8 नंबर का पूछा ही जाता है। ये ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आएगा, यकीन मानो। देखो यहाँ पे सवाल, यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। एक है बटा में x प्लस 4 है पहले का ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 7 है। अगर इसको हम लोग विस्तार से बनाए तो आंशिक भिन्न द्वारा बनता है, आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ता है, उसके बाद से समाकलन करना पड़ता है। लेकिन आज हम लोग देखने वाले ट्रिक, ट्रिक स्पेशल है, समझो। अगर समझ गए बाबू, अगर आप लोग ट्रिक समझ गए तो 2 सेकंड में 10 सेकंड के अंदर ही करोगे, यकीन मानो। अभी देखो यहाँ पे समझिए, देखो यहाँ पर पहले का ब्रैकेट में x प्लस 4 है, दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 7 है, समझे कि नहीं। पहले का ब्रैकेट में x प्लस 4 है, दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 7 है। देखो यहाँ पे पहले का तो आपको दिमाग लगाना है, ऐसे सवाल में हमेशा लॉग आएगा, एल ओ जी, लॉग, ठीक है ना। मतलब ऐसे कोई भी सवाल हो हमेशा लॉग ही आएगा। अब देखो यहां पर देखिए x प्लस 4, यहां पर x प्लस 7, इसमें ये बताओ छोटा कौन है, छोटा तो x प्लस 4 है, बड़ा कौन है, x प्लस 7 है। इतना समझ गए ना, छोटा वाला x प्लस 4 है, बड़ा वाला x प्लस 7 है। देखो यहां पर संख्या है x, x में यहां पर 4 जुड़ा गया है, यहां पर x में 7 जुड़ा गया है। तो बड़ा, अगर किसी भी संख्या में अगर बड़ा अंक जोड़ोगे तो संख्या में बड़ा मिलेगा, तो x प्लस 7 वाला बड़ा है, x प्लस 4 वाला क्या है, छोटा है। यहां पर देखो, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस, मतलब कि प्लस है प्लस है। अगर दोनों चिन्ह एक ही जैसा हो, पहले को ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में प्लस है, तो अगर दोनों चिन्ह एक ही जैसा हो तो बड़का में से छोटका घटा देंगे, ठीक है, याद कर लीजिए। अगर दोनों चिन्ह एक के जैसा हो तो बड़का में से छोटका घटा देंगे, मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले घटा दीजिए, समझे आप। तो 7 में से 4 घटाओ तो कितना मिलेगा, 3। और हमें कैसे लिखना है, बटा में, तो 1 बटे में 7 में से 4 घटाओगे कितना होगा, 3। उसके बाद से ऐसे सवाल में लॉग आएगा, तो एल ओ जी। अब हमेशा ऊपर क्या लिखना है, छोटका वाला, तो ऊपर कितना है, छोटा कौन सा है, x प्लस 4, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा x प्लस 4, नीचे क्या हो जाएगा, x प्लस 7। अरे अंत में क्या जोड़ दोगे बाबू, c हो गया, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर। अब देखिए इसमें समझो, यहां पर देखो x प्लस 12 है, यहां पर x प्लस 6 है, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, उसमें भी प्लस, दोनों चिन्ह एक ही जैसा है, जब भी दोनों चिन्ह एक ही जैसा हो तो घटाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस, दोनों चिन्ह एक ही जैसा है, तो क्या करेंगे, बोलोगे सर जी घटाइए ना, तो घटाओ यहाँ पे, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 ही मिलेगा, तो 1 बटे में लिखेंगे 6, जो घटाने में मिलता है, 12 में से 6 घटाओगे तो 6 ही मिलेगा, बोलोगे उसके बाद ऐसे सवाल में लॉग आएगा, तो लॉग दीजिए, कौन सा छोटा है, एक्स प्लस 12 छोटा है कि एक्स प्लस 6 छोटा है, बोलोगे एक्स प्लस 6 छोटा है, दिख रहा है ना, 6 वाला छोटा ही रहेगा ना, तो ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस 6, नीचे हो जाएगा एक्स प्लस 12। छोटका हमेशा ऊपर लिखना है, समाकलन के सवाल में सी तो जुड़ोगे ही, बताओ। एक सवाल और समझते हैं, देखो यहां पर दिया है एक्स प्लस 10, दूसरा सवाल है एक्स प्लस 2, इसका हमें समाकलन करना है, ठीक है, समझिए। बोलोगे सर जी पहले का ब्रैकेट में प्लस है, दूसरों ब्रैकेट में प्लस है, यहां पर भी प्लस, यहां पर भी प्लस, दोनों चिन्ह एक ही जैसा है, जब भी दोनों चिन्ह एक ही जैसा है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटाइए ना, तो 10 में से 2 घटाओ तो कितना होगा, 8, लेकिन हमें क्या लिखना है, बटा में, तो 1 बटे में 8, उसके बाद से लेंगे लॉग, तो लॉग, छोटका ऊपर बड़का नीचे, जो छोटा वाला है उसे ऊपर लिखना है, बड़ा वाला नीचे लिखना है। तो देखो यहां पर x प्लस 2, मतलब संख्या में 2 जोड़ा गया है, यहां पर संख्या में 10 जोड़ा गया है, x को कोई संख्या मान लो, तो संख्या में 2 जोड़ा गया है, यहां पर 10 जोड़ा गया है, तो 10 जोड़ोगे तो वो बड़ा बन जाएगा ना, क्योंकि 10 2 से बड़ा है इसलिए संख्या बड़ा हो जाएगा, तो छोटा कौन सा है, x प्लस 2 वाला, x प्लस 2 वाला छोटा है इसलिए ऊपर लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, बड़का है, x प्लस 10, समाकलन के सवाल है तो सी जोड़ दोगे, ठीक है। अब देखो दूसरा टाइप, यहां पे अब ब्रैकेट में इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, सवाल तो तुमको दिख रहा होगा, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, जब भी दोनों चिन्ह एक ही जैसा दिखे तो घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां पर देखिए इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, दोनों चिन्ह एक ही जैसा है ना, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाओ ना, 13 में से 2 गया तो 11, तो बोलोगे बटा में लिखिए ना, तो 1 बटे में 11,
उसके बाद से बोलोगे सर जी लॉग लीजिए, तो लॉग। अब तुम्हें बताना है इसमें से छोटा कौन होगा। देखो यहां पर देखो, समझ लो, थोड़ा सा समझ लो। एक्स माइनस 13 है, यहां पर एक्स माइनस 2 है, ठीक है ना। संख्या एक्स है, यहां पर 13 घटाया गया है, यहां पर 2 घटाया गया है। एक्स मान लो 20, एक्स मान लोगे 20, कुछ भी मान लो केवल समझने के लिए। हम मान लिए एक्स क्या है, 20 है। यहां पर एक्स में से 13 घटाए हो, तो मतलब 20 में से 13 घटा दो तो कितना होगा बाबू, 7 होगा। अब देखो यहां पर एक्स में से 2 घटाए हो, तो 20 में से 2 घटा दोगे तो 18 होगा, ठीक है। तो ये बताओ बड़ा कौन है, 18 बड़ा है, छोटा कौन है, 7 है। तो इसका मतलब एक्स माइनस 13 वाला क्या है, छोटा है। मतलब किसी भी संख्या में से अगर बड़का संख्या घटाएंगे तो वो जाहिर सी बात है छोटा मिलेगा, ठीक है ना। दिमाग लगाइए, अगर किसी भी संख्या में से बड़का संख्या घटा देंगे तो वो छोटा हो जाएगा, अगर छोट संख्या घटाएंगे तो तुलनात्मक रूप से बड़ा ही होगा। तो यहां पर देखो एक्स में से 13 घटाया, यहां पर एक्स में से 2 घटाया गया, तो एक्स में से यहां पर 13 घटाया गया, इसका मतलब बड़की संख्या घटाया गया, इसलिए क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों में से छोटा कौन है, एक्स माइनस 13 वाला। तो एक्स माइनस 13 ऊपर, छोटे का ऊपर, बड़े का नीचे, तो एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। अंत में क्या करोगे, सी जोड़ दोगे। थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझो, समझ आ जाएगा। अब देखो यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस। जब भी दोनों चिन्ह एक ही जैसा दिखेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है ना। देख रहे हो ना, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाओ, 6 में से 5 गया तो 1, तो 1 बटे में घटाने पर कितना मिला, 1। उसकी वजह से लॉग, छोटका ऊपर बड़का नीचे, यहां पर बड़ी संख्या घटाया गया, तो इसका मतलब एक्स माइनस 6 क्या होगा, छोटका होगा। एक्स माइनस 6 छोटका, बड़का एक्स माइनस 5। अंत में क्या करोगे, सी, ठीक है ना। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यहां पे सवाल दे दिए तुम्हें, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 8, ठीक है ना, इसको करना है। बोलोगे इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, दोनों में माइनस है, इसका मतलब चिन्ह एक के जैसा है, ये भी माइनस, वो भी माइनस, दोनों एक ही जैसा है ना। जब भी दोनों एक ही जैसा होता है तो घटा देते हैं, क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखो 8 में से 4 घटाओ तो बाबू 4 होगा, तो 1 बटे में 4। 8 में से 4 घटाया तो 4, तो हमें क्या करना है, बटा में लिखना है, उसके बाद से लॉग, ठीक है ना। अब ऐसे समझ लो, माइनस वाला है तो बड़का ऊपर लिख देना, 8 देखो माइनस वाला है तो 8 बड़ा है इसलिए ऊपर लिख देना, ऐसे दिमाग लगा लो। माइनस वाला में बड़का ऊपर, और देखो 4 छोटका है इसलिए इसको नीचे लिख दो, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। माइनस वाला में बड़का ऊपर लिख दो, 8 बड़ा है 4 से इसलिए 8 वाला ऊपर लिख दिए, 4 छोटा है इसलिए छोटा लिख दिए, ठीक है। अगला टाइप देख कर जाना, ट्रिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, समझे। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब जो ब्रैकेट में है बाबू एक्स प्लस 12 है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 4 है। यहां पर देखो ए गो में प्लस, ए गो में माइनस, इसका मतलब दोनों चिन्ह अलग अलग हो गया, एगो प्लस है एगो माइनस है, दोनों अलग अलग है ना। तो जब भी दोनों अलग अलग मिलेगा तो जोड़ देंगे, एगो प्लस एगो माइनस, दोनों अलग अलग मिलेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर एगो प्लस एगो माइनस है, दोनों अलग अलग है ना, तो क्या करोगे, जोड़ दोगे, ऐसे क्या करना है, जोड़ देना है। अगर एगो प्लस एगो माइनस है, दोनों अलग अलग मिलेगा तो जोड़ देंगे, समझ आ गया। तो जोड़ो ना बाबू, जोड़ो यहाँ पे, 12 4 कितना हो गया, 16, तो बटा में लिखो, तो 1 बटे में 16 लॉग, छोटे का ऊपर तो माइनस वाला जाहिर सी बात है छोटा होगा, तो माइनस वाला ऊपर लिख दो, तो एक्स माइनस 4 बटे में एक्स प्लस 12, ठीक है, प्लस में सी, ठीक है ना। ऐसे भी दिमाग लगा लीजिए, अगर एगो प्लस है एगो माइनस है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, एगो प्लस एगो माइनस तो जोड़ेंगे, और माइनस वाला हमेशा ऊपर बैठा रहेगा, कहाँ, ऊपर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो बाबू एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 13 6 कितना हो गया, 19, तो 1 बटे में 19 लॉग, माइनस वाला ऊपर तो एक्स माइनस 6, माइनस वाला ऊपर, यहां पर देखो तो एक्स माइनस 6 बटे में प्लस वाला नीचे, तो एक्स प्लस 13, अंत में सी जोड़ दोगे, ठीक है। तो हो गया आंसर, डायरेक्ट ट्रिक समझ लो बढ़िया से। देखो यहाँ पे ये वाला सवाल करोगे खुद तुम, एक्स प्लस दिया है 20, दूसरा ब्रैकेट में दिया एक्स माइनस 8, समझो। बोलोगे एक को प्लस एक को माइनस दोनों अलग अलग है, जब भी चिन्ह दोनों अलग अलग दिखेगा तो जोड़ेंगे, और एक ही जैसा दिखेगा तो घटाएंगे। तो एक को प्लस एक को माइनस दोनों चिन्ह क्या है, अलग अलग है, इसका मतलब जोड़ेंगे, माइनस वाला ऊपर। देखो तो 20 8 कितना हो गया, 28,
तो एक बटे में 28 हमेशा बटा में लिखना, एक बटे में 28। अरे ऐसे सवाल में लॉग आता है तो लॉग आ गया, एल ओ जी लॉग। अब देखो माइनस वाला ऊपर तो एक्स माइनस 8, तो एक्स माइनस 8, प्लस वाला नीचे तो एक्स प्लस 20। अंत में सी जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर ये ट्रिक पसंद आया होगा आपको तो क्या करना है, कॉपी में बढ़िया से नोट करो, जिनका भी बोर्ड एग्जाम है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन की तैयारी करते हो, कुछ भी कॉपी में पहले नोट करो, ठीक है ना, उसके बाद से प्रैक्टिस कीजिए।